ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल कानपुर वाला एयरमैन। फिर से आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो नए लड़के एयरफोर्स के वर्दी के बिल्कुल दीवाने से हैं, तो वो कान खोल के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुनते रहेंगे और वीडियो को बिना स्किप करें हर एक जानकारी को बाकायदा लेंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम से लेके आगे का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, सैलरी बेसिस हर एक बात वो स्टेप बाय स्टेप करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्त, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आगे और भी प्रोसेस आते रहेंगे और नए वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं, पोल वगैरह आते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेप से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले होता है CBT एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसको फेज़ 1 भी बोलते हैं। फेज़ 1 में CBT एग्ज़ाम होता है। तो फेज़ 1 क्लियर करने के बाद फेज़ 2 की बारी आती है, जिसको हम लोग PFT बोलते हैं। ठीक है, इस PFT में SRT, GD और आपका फिजिकल फिटनेस होता है। देन तीसरा हम लोग एग्ज़ाम नहीं बोलेंगे, ये होती है मेडिकल फिटनेस आपकी, जिसको हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद लड़का पूरी तरह से एयरफोर्स में की 90% चीज़ें अपनी कॉफ कर लेता है, वो क्लियर कर लेता है। जस्ट उसके बाद आपकी 1 से 2 महीने बाद आपकी होती है PSL, जिसको प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं। देन आपकी आती है एनरोलमेंट। बस 5 स्टेप्स ये आपके टोटल होते हैं। उसके बाद जस्ट आपके ट्रेनिंग, जस्ट आपकी पोस्टिंग। तो ये हो गई आपके 5 स्टेप के, इन स्टेप से होके वो गुजरती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्त, अगर आप 12th ग्रेजुएट है, 10+2 अगर आप पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, ये अग्निवीर वायु के तहत इसके इस बार सिलेक्शन प्रोसेस होना चालू हो चुके हैं। तो इसमें एक्स और वाई ग्रुप अब नहीं लिखा जाता है। एक्स की जगह जिसको हम लोग एक्स बोलते थे, अब वो हो गया साइंस सब्जेक्ट, और जिसको वाई बोलते थे वो हो गया साइंस देन अदर सब्जेक्ट। तो इस बात का फॉर्म फिलअप के समय आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, क्या एज क्राइटेरिया रहता है? तो इसका एज क्राइटेरिया अब 17.5 से लेके 21 ईयर्स हो चुका है। तो ये रहता है इसका एज। अब उसके बाद तो आपका जो नई वैकेंसीज, अब आप जो वैकेंसीज की वेट, तो वैकेंसीज आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। और भी अगर इससे ज़्यादा अपडेट आपको चाहिए वगैरह, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तैयारी के दम पे एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस आपको ना मिले। तो दोस्त, ये आपके हो गया। अब जो बात हम लोग की रहती है सैलरी बेसिस पे, तो दोस्त इसकी सैलरी का जो चार्ट मैंने आपको बगल में दिया हुआ है, इस चार्ट को आप बकायदा देख सकते हैं। ये आपकी इन हैंड सैलरी है। आप अगर सोचे कि ये सैलरी आपके नहीं, तो इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, आपकी ट्रेड्स के हिसाब से, आपकी पोजीशन के हिसाब से इसमें अलाउंसेस होते हैं, और बाकी आपकी पोस्टिंग के हिसाब से, इस हिसाब से भी इसमें पैसे ऐड होते रहते हैं। तो ये आपका पूरा सैलरी बेसिस है। अब नए लड़के इसमें तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो दोस्त, आपको किसी भी एग्ज़ाम के जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तब तक एग्ज़ाम की तैयारी को मत छोड़िए। आज ही अपनी तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको लगना है तो वैकेंसीज का वेट मत करिए। अभी आपके पास जो बहुमूल्य समय है, इसी को यूज़ करते रहिए और अपनी तैयारियों में जुड़े रहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपकी क्वेरीज फंस रही हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका ये प्यार मेरा सपोर्ट है। तो ऐसे ही गाइडेंस के लिए, अच्छे से वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों बीच शेयर करिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल पर मिलेगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।